आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आंचलिक कृषि गवेषणागार अपने द्वारा उद्भावन किए गए विभिन्न चावलों की जाति और वैज्ञानिकों द्वारा उद्भावित किए गए कार्यकारी कौशलों को कृषकों के बीच प्रचार और प्रसारित करने के उद्देश्य से हर साल नवंबर के महीने में कृषक दिवस का पालन करता है। इस दिवस में असम के विभिन्न विभागों एवं जिलाओं के कृषकों द्वारा भाग लेने के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को कृषि संपर्क के विभिन्न परामर्शों को भी प्रदान किया जाता है। नए नए तकनीकों और केंद्र में स्थापित हुए नए नए बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए केंद्र में स्वयं का ही किसान दिवस मनाया जाता है। हम प्रजनन विभाग के डॉक्टर संजय कुमार सेतिया से जानेंगे कि किसान दिवस मनाने का आयोजना कब से शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है। इस केंद्र में हर साल एक कृषक दिवस जो किसान मेला हम लोग यहाँ आयोजन करता हूँ, उस किसान मेला आज से 25 साल पहले यहाँ हम लोग ने आयोजन किया था, शुरू किया वहाँ से। अभी लास्ट 25 साल से ज़्यादा यहाँ जो मेला है हम लोग हर साल मेला यहाँ आयोजन करता हूँ। और मेला जनरली जो नवंबर महीना है, नवंबर महीने में हम यहाँ आयोजन करता हूँ। और इस मेले में हमारा जो राज्य है, अलग अलग प्रांत से किसान भाई यहाँ आते हैं और यहाँ से जो टेक्नोलॉजी हम लोग विकसित कर रहा हूँ, उस सारे जो टेक्नोलॉजी है उसका जानकारी किसान भाइयों को मिलते हैं। किसानों को इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलना ही काफ़ी नहीं होता, उनकी विधियाँ, खेती करने की विधियाँ को भी जानना ज़रूरी है। क्या इस किसान दिवस में उनको विधियों के बारे में दिया जाता है कोई ज्ञान? हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या करता हूँ हम लोग, किसान दिवस जो होता है उसमें एक एग्जीबिशन हम लोग करता हूँ। एग्जीबिशन में जो फील्ड है, फील्ड में जो नया नया टेक्नोलॉजी जा रहा है वो हम लोग करके किसान भाइयों को दिखाता हूँ। और किसान भाइयों को देखकर एक बार कन्विंस होने के बाद वो हम लोग का खेत में वही टेक्नोलॉजी करते हैं और ऐसे उन लोगों का लाभदायक होता है। किसानों को और किस प्रकार से विकास होने के लिए आप लोग मदद देते हैं? किसानों को जो है हम लोग का यह राज्य का किसान है, नहीं तो हम लोग नॉर्थ स्टेट्स जो है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हर प्रांत से यहाँ किसान भाई यहाँ केंद्रों में आते हैं। और इस केंद्रों में जो हम लोग का टेक्नोलॉजी होता है, जो वेराइटीज़ होता है, मान लीजिए रंजीत, बहादुर और अलग अलग जो हम लोग यहाँ वेराइटी हम लोग यहाँ से टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ, उन लोगों को उसका बारे में मालूम होता है। और यहाँ का जो सीड है, जो बीज है, सो बीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ठीक बीज मिला किसान भाई को तो उन लोगों का वहाँ से फसल ज़्यादा होता है। हम लोग यहाँ से बीज भी किसान भाइयों को हम लोग वो देता हूँ। किसान दिवस में आप बीज का भी बिक्री करते हो? हाँ, किसान दिवस में हम लोग का जो नया नया बीज है वो हम लोगों को उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। और हम लोग का यहाँ केंद्र में एक काउंटर है, उस काउंटर में किसान भाइयों के लिए हम लोग ये बीज उपलब्ध कराता हूँ। टेक्नोलॉजियों और ये बीज दिलाने के अलावा किसानों को और किस तरीके की मदद प्रदान करते हैं केंद्र? इसमें जो अलग अलग प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के भी अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उन प्रोग्राम का थ्रू दोज प्रोग्राम हम लोग वहाँ से भी जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है
किसान का पसार जो फील्ड है वहाँ लेकर जाता हूँ। तीतापुर असम में स्थित यह केंद्र किसानों के बीच काफी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। हर सीजन में गुणवत्ता वाले बीज खरीदने के लिए राज्य के बाहर से भी कई किसान आने लगे हैं। बीज की मांग को केंद्र में बहुत ही बढ़ाया जा रहा है। वर्षों में उत्पादित सभी बीजों को बेचा जाता है इस केंद्र में। यह उल्लेखनीय है कि इस केंद्र पर विकसित कुछ किस्मों की सराहना कई दूसरे प्रदेशों जैसे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादियों के किसानों के बीच भी काफी चर्चित है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने राज्य के किसानों के बीच विकसित तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में काफी कड़ी मेहनत की है। राज्य के कई जिलों से प्रतिभाशाली किसान यहां आके मौजूद होते हैं, ना केवल अपने परेशानियों को लेकर बल्कि बीज खरीदने के लिए भी आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है गोलाघाट जिला के कुछ किसान, तो आइए मिलते हैं उनसे। अपने लोग कोरपुरा से আমি গোলাঘাট জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। ধনশ্ৰী মহকুমা পৰে আৰু সোহাগানত আমাৰ ঘৰ। এতিয়া আমি ধানৰ বীজ নিবলৈ আহিছোঁ। প্ৰতি বছৰে আহোঁ আমি থলুৱা বীজৰ হেৰিয়াতকৈ এই বীজ ধানটো আমি অলপ বেছিকৈ পাওঁ। আপোনাৰ ধৰক পুৰাত আমাৰ ঘৰৰ ধানটোৱে খেতি যদি কৰা হয়। কোনকেইটা ভেৰাইটি আপুনি বেছিভাগ ইয়াৰ পৰা লৈছে? আমি এতিয়া ৰঞ্জিত আৰু বাহাদুৰ খালোঁ। ৰঞ্জিত আৰু বাহাদুৰ বেছিভাগ এতিয়া এই ৰঞ্জিত বাহাদুৰটো আমি ধৰক পুৰাত এশমোনটো পোৱা হয়, কিন্তু ঘৰুৱা যিটো হেৰি সেইটোৱে যদি কৰা হয় তেতিয়া প্ৰায় 60 মোনহে পৰে। কিমান মাটিত আপুনি নিজৰ খেতি কৰিছে? আমি প্ৰায় 10 বিঘা মাটি খেতি কৰোঁ। অকল নিজৰ অজীৱিকাৰ কাৰণে নে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে? ব্যৱসায় বুলি আমাৰ ধৰক খাই বৈ যিটো থাকে আমি সেইটো বিক্ৰীয়ে কৰিবলগীয়া হয়, এনেকৈহে আমি চলি আছোঁ। तो हमने जाना कि ना केवल यहाँ परेशानियों को लेकर किसान आते हैं बल्कि यहाँ से बीज खरीदने के लिए भी अनेक जिलों से किसान का भागदौड़ लगा रहता है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो कि चतुर्दिक शूर्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। भू आकृति के अनुसार असम राज्य को 3 विभागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि उत्तरी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिकिर तथा उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र एवं कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी। चावल के उत्पादन में भूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि चावल सभी धारण के मिट्टी में नहीं उगाई जाती। यह अन्य भारतीय प्रदेशों के फसलों के तहत काफी अलग होती हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण असम की मिट्टी अम्लीय है, क्योंकि जो क्षेत्रीय मिट्टी में होती है वह वर्षा के पानी के साथ ही धरती के भीतर चली जाती है और मिट्टी की ऊपरी सतह एवं फसलों को जड़ों से धीमी बना देती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। आज हमारे प्रमुख मौजूद हैं मृदा विज्ञान विभाग के डॉक्टर तपन ज्योति घोष, जिनसे हम जानेंगे कि असम की मिट्टी में ऐसी कैसी क्या विशेषताएं हैं जिसके वजह से धान की उत्पादकता इतनी होती है। असम का मिट्टी का विशिष्टता है कि असम को जो मिट्टी है वो भूतत्वविद ने 3 भाग से भाग किया है। पहले है कि कर्मी अलम का जो पहाड़िया है
पहाड़ी अंचल है, दूसरा है कि उत्तर कछार का पहाड़ी अंचल और बरेल का जो अंचल है वो भी है, और सबसे ज़्यादा बेहतर अनुदान होगा महाबहु ब्रह्मपुत्र और बराक का समतल भूमि। अच्छा, इस तीनों का भू प्रकृति से प्रक्रिया के साथ असम का मिट्टी बन रहा है। असम का मिट्टी में क्या है, ज़्यादा अम्लीयता ज़्यादा है, अम्लीय ज़्यादा होने से नाते हमारे मिट्टी पर क्या है कई अक्सर कुछ इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि जो आप जो पंजाब में जाइए तो उसका मिट्टी में क्या खड़ी होता है, तो असम का मिट्टी में जो बारिश के कारण हमारे यहाँ जो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम का बहुत सा अपचय होता है, उसके नाते बारिश के साथ भी जो पोटेशियम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो पानी से नीचे गिरते हैं, इसके साथ क्या होता है हमारा यहाँ में फॉस्फोरस और पोटास का कम होते हैं परिमाण कम होते जाते रहा है। तो हमारा जो अभी जो गवेषणा अभी जो इसका अनुसंधान चल रहा है ये हम धान के बाद धान कर रहे हैं, हम कहीं रबी में धान लिए फिर खरीफ में भी धान लिया है, और ये जानकारी से हम लोग को पता चलेगा कि आप अभी रहते आप कंटिन्यूस खेती करने के आपके समन्वय के साथ अच्छा रासायनिक के साथ जैविक खाद के मिलाकर किस तरह उत्पादन मिलते हैं, और आप देखेंगे किसी किसी छोटा छोटा भूखंड में भी हम लोग नाइट्रोजन डाले हैं, किसी में हम लोग फॉस्फोरस डाले हैं, किसी में हम दो खाद डाले हैं, किसी में हम जैविक खादों के साथ रासायनिक सार भी समन्वित किए हैं। तो इससे हमको पता चलेगा जो हम लोग को धान जो खेती होता है उसका उत्पादन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा समीक्षा में देखा गया है लगातार अब ये जो खेती चल रहा है ये 28 साल हो गया, तो इसमें देख आप लोग देखेंगे कि जो जहाँ में हमारा जो समीक्षा में जो यही निकला है जो 28 साल का जो खेती चल रहा है इसमें देखा गया है कि रासायनिक सार के साथ गोबर खाद अब मिसल करके समन्वित से धान का उत्पादन बढ़ गया, और जहाँ में हम रासायनिक सार डाला है वहाँ से भी इसका ज़्यादा समन्वय में जो रासायनिक और जैविक सार का जो समन्वय है जो इंटीग्रेशन है उससे उसका उत्पादन बढ़ गया है। इसके साथ मिट्टी का जो भौतिक जो गुणगत होता है भौतिक रासायनिक और जैविक जो धर्म है वो अच्छा तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जब एक ही खाद रासायनिक खाद जहाँ पर हम डाले हैं वहाँ में देखा गया कि उसमें मिट्टी का उसका जो पीएच होता है जो बोलता है अम्लीयत्व का जो सूचक है वो कमती होते जा रहे हैं, तो कमती जितना ही आपका सूचक कमती हो जाएगा उसका महत्व ही बुझाता है, इसका नतीजा यही होता है कि आपका मिट्टी में कुछ जो उसका स्वास्थ्य का में कुछ फर्क पड़ गया। सो इसमें हम लोग देखा है कि हम लोग को जैविक सार के साथ रासायनिक सार इकट्ठे करके समतुल हिसाब से खेती में प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारा अच्छा खेती मिलेगा, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उचित रहेगा और वातावरण में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र में रहे जैव प्रयुक्ति गवेषणागार में विभिन्न विषयों पर गवेषणा चल रही है। पानी के साथ सहज तौर पर मिलने वाले कम पानी के परिमाण में भी होने वाले एवं मिश्रित धानों एवं चावलों के उत्पादनों के लिए भी विभिन्न प्रकारों के जैव प्रयुक्तियों की सहायता से गवेषणा चल रही है। इस केंद्र में कई प्रकल्प चल रहे हैं। प्रकल्प में अनुमोदित की गई है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठने जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नॉर्वे गवर्नमेंट, राष्ट्रीय अनुष्ठाने जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई इत्यादियों द्वारा इस गवेषणा केंद्र में कई विज्ञानी और गवेषकों द्वारा अपना योगदान प्रदान किया जा रहा है। इस केंद्र में किस प्रकार के प्रजनन कार्यक्रम चल रहे हैं? इसी केंद्र से हम लोग से 6 डिफरेंट हमारा डिसिप्लिन है, विभाग है, जैसे है
प्लांट ब्रीडिंग जो पोट प्रजनन विभाग है, कृषि विज्ञान विभाग है, मिट्टी विज्ञान विभाग है, रोग नियंत्रण और विज्ञान है, कीट नियंत्रण विज्ञान है और कृषि प्रयोग विभाग है। इस छह विभागों से हम लोग चावल का जो देश और प्रदेश का जो समस्या है, आने वाला समस्या है, इसके निपट के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहा है। इससे और एक हमारा पास है सर्वभारतीय चावल अनुसंधान संस्था है हैदराबाद में, उसके साथ हम लोग 1965 से हम लोग जुड़ के काम कर रहा है। इसी केंद्र में हम लोग पोट प्रजनन विभाग का अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट हम लोग का काम कर रहा है, जैसे ईस्टर्न इंडिया रेनफेड लोलैंड साटुल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये आंतर्जातिक चावल गवेषणा केंद्र फिलीपाइंस का द्वारा संलग्न है। उससे बाद हम लोग कर रहा है स्ट्रेस टॉलरेंट राइस फॉर पोर फार्मर्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, ये इरिका है, इरिका एक प्रोजेक्ट है। इसका साथ अफ्रीका और एशिया का भारत का पूर्व राज्य हम लोग का से राज्य इसका जुड़ रहा है और म्यांमार बांग्लादेश भी इसमें जुड़ रहा है। और एक प्रोजेक्ट हम लोग का चला रहा है जो है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरोमेटिक राइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ए डिविजनल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट है जेनेटिक एनहेंसमेंट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस मॉइस्चर टॉलरेंट राइस, ए आईसीआर का एक प्रोजेक्ट है। ग्लोबल एरे ऑफ राइस एक नया प्रोजेक्ट हम लोग शुरू किया है इरी के साथ। इससे ज़्यादा तक हम लोग का प्रोजेक्ट का काम हम लोग कर रहा है। और एक प्रोजेक्ट का काम हम लोग कर रहा है इसी केंद्र में, वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट टाइप, जो है हम लोग का जो चावल का उत्पादन और कुछ ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, जिसमें हम रंजित से ज़्यादा बेहतर वैरायटी जात हम लोग डेवलप कर सके और उससे प्लास्ट और BLB जैसे समस्या का निपट कर सके। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2022 के तहत किसानों का आय दुगना करने का योजना बनाया है, क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ काम चल रहा है जिससे स्थानीय किसानों को लाभ हो सके? प्रधानमंत्री जी ने साल 2022 तक किसानों का आय दुगना करने के लिए ठान लिया है। इसलिए हम लोग का खेत का जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो दुगना करने पड़ेगा। ये तब भी संभव होगा जब खेत का भूमि बढ़ा सकते और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सके और अन्य उपाय के साथ किसानों का आय ज़्यादा कर सके। वर्तमान समय में हम लोग का पास भूमि, कृषि भूमि बढ़ाने का कोई चांस नहीं है, इसलिए हम लोग का खेत का जो तीव्रता है, जो हम लोग बोल रहा है जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये बढ़ाने के लिए हम काम किया है। वर्तमान समय में हमारा राज्य का वो जो तीव्रता है वो 145% है। हम लोग ये तीव्रता बढ़ाने के लिए हम लोग का जो फसल है वो फसल एक साल में हम दो फसल करने पड़ेगा। वर्तमान समय में हमारा किसानों ने ज़्यादा तक मोनोक्रॉपिंग जो बोलता है साल में एक खेत कर रहा है, लेकिन वो तीव्रता बढ़ाने के लिए हम लोग का वो साल में दो
फसल करने पड़ेगा और हम लोग का जो लंबे अवधि वाला जो हम लोग खेत किया है उसके जगह हम लोग मध्यम अवधि वाला 130 टू 135 ड्यूरेशन वाला किस्म का फसल करने का जरूरी है। ये करने से हम लोग का उत्पादक बढ़ जाएगा। हम लोग इसी केंद्र से इस समस्या निपट के लिए कोई वैरायटी डेवलप किया है, जैसे मुलागा भरू, सत्यरंजन, श्रावणी, जो मध्यम अवधि वाला किस्म है। इसका ड्यूरेशन भी 130 टू 135 डेज है। ये करने से हम लोग का जो है उत्पादन हम लोग का बढ़ जाएगा और किसानों का आय भी बढ़ जाएगा। इसी से और हम लोग कोई टेक्नोलॉजी का हम लोग काम किया है, जिसमें हम लोग इससे और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। हम आशा करते हैं कि स्थानीय किसान एवं देश के अन्य राज्यों के किसानों को भी आपके इस केंद्र से हमेशा मदद मिलती रहे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भूमंडलीय क्षेत्र में आए तनाव जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि तनावों से किस तरह परित्राण प्राप्त किया जा सके, इस विषय के ऊपर भी इस केंद्र में वैज्ञानिक गण अपने प्रशिक्षण को जोरों शोरों पर चला रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के तहत तापमान में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता 300 से 500 ppm से वायुमंडल में बढ़ रही है, इसीलिए हर साल में तापमान उठता ही जा रहा है। उच्च तापमान के कारण चावल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तापमान में 1% की वृद्धि होने से उपज में 10% की कमी आ जाती है। कुछ जीन टाइप्स भी हैं जो सुबह में परिघटित होते हैं, इसीलिए यहाँ परागण के दौरान उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभाव से इन्हें बचाया जा सकता है। केंद्र में ऐसे ही जीनोटाइपों की पहचान करने के लिए काम जारी है, जो कि दिन के शुरुआती घंटों में परागण करते हैं और उच्च तापमान के तनाव को सहन कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पौधे विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी दे, जिनसे हम जानेंगे कि वो किस प्रकार के अनुसंधान कर रहे हैं। आज जो तितावर आंचलिक कृषि गवेषणा है केंद्र है, हम लोग जो फिजियोलॉजी विभाग है उसमें हम लोग जो तनावपूर्ण परिवेश में जो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से जो स्ट्रेस कंडीशन बा तनावपूर्ण जो सिचुएशन हुआ है, जैसे बाढ़ हो या सूखा हो या ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, तो उस टेम्परेचर से कैसे हम लोग मुकाबला कर सकते हैं तो इसी का नज़र रखते हुए हम लोग अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो पहले जो है कि बाढ़, हम लोग ये जो तितावर आंचलिक कृषि गवेषणा में हम लोग यहाँ जो वैरायटी डेवलप किया था, जो प्रजातियाँ जैसे रंजीत, बहादुर, दिशांग, कुशल, मनीराम, ये प्रजातियाँ वो बाढ़
जो फ्लड आते हैं, बाढ़ आते हैं और जो जलमग्न हो जाते हैं उस सिचुएशन में ये सब प्रजातियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इस रंजीत बहादुर जो जनप्रिय प्रजाति है उस प्रजाति में हम लोग पानी का जो डूब सहन करने के लिए जो एक गुण होता है, एक जीन है, उसमें हम लोग सन्निविष्ट किया है। और हम लोग रंजीत साबुआन या बहादुर साबुआन बोल के दो प्रजाति हम लोग यहाँ से उद्भावन किया है। और ये प्रजाति 5 दिन से 12 दिन तक अगर पानी आ गया, वो डूब गया, तो वो बाद में उसका रिजनरेट होता है और अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपके यहाँ कौन से किस्मों के चावल में हर तनाव को सहने के लिए वो जो सहनशीलता है उस ऐसे कौन से किस्म है जिसमें अच्छा, हर तनाव की सहनशीलता है? हर तनाव मीन्स हम लोग ये जो गोलोकीय भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हुआ है उसमें देखा गया कि सब कुछ अप्रत्याशित है। जैसे कब बारिश आएगा, कब पहले तो ऐसा था कि एक मौसम में बारिश आता था, एक टाइम में बारिश आता था। अभी तो बारिश फरवरी से शुरू हो जाता है लेकिन जब पानी चाहिए उस टाइम पानी नहीं होता है, मानसून की अनिश्चितता, तो सब कुछ अप्रत्याशित हो गया, अनएक्सपेक्टेड। तो उस अभी उस इसी वजह से अभी एक ही जात में, एक ही प्रजाति में बाढ़ का सहनशीलता या सूखा का सहनशील, दोनों का सहनशीलता रहना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। इसी हम लोग जो ये जो अध्ययन किया है, जो मल्टीपल एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, मैंने ज़्यादा बहुत जो तनाव है जैसे बाढ़ हो या सूखा हो, उस तनाव को सहनशील जात हम लोग ये आसाम में ऐसे बहुत परंपरागत जात है लेकिन वो जात का उत्पादन क्षमता बहुत कम है। लेकिन हम लोग जो उच्च उत्पादन क्षम जात है उसमें कोई कोई जात अच्छा प्रदर्शन करता है, जैसे AC39416A ये जात ड्रॉट मैंने बाढ़ के कंडीशन में या सूखा कंडीशन में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका ऊपर IT24714-24939 ये जात भी हम अच्छा प्रदर्शन करता है बाढ़ और सूखा परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। कृषि अनुसंधान केंद्र किसानों के साथ ही यहां काम कर रहे वैज्ञानिकों को भी काफी हद तक स्वावलंबी बनाने में मदद कर रहा है। जिन उच्च मानदंडों का प्रयोग से यह केंद्र कार्य कर रहा है उससे हमें पूर्ण आशा है कि आगे भी इसी तरह इसके जरिए आने वाले प्रजन्म उपकृत होंगे और कृषि के प्रति इनका रुझान अधिक बढ़ेगा। Get up!